जनपद रायबरेली की थाना हरचंद पुलिस और थाना मिल एरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की दो मोटरसाइकिल स्पेंडर प्लस के साथ छह सातिर चोरों को दबोच लिया। चोरों का ये सातिर गैंग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था, तभी पुलिस ने गैंग के छह सदस्यों को दबोच लिया। पुलिस द्वारा तलाशी में इनके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, दो चाकू और दो सरिया के टुकड़े बरामद किए गए हैं। ये शातिर चोर किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सातिर गैंग के छह सदस्यों को दबोच लिया, जहां आवश्यक कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा गया है। मैम, आज किस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? कितने लोग पकड़े गए? थाना मिलेरिया और हरचंदपुर की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हरदासपुर में शारदा नहर के पास में कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो छह अभियुक्त वहां से गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम क्रमशः उमेश राज, अंकित, प्रीतम, करण, नवकुश और सूरज है। ये सभी छह आरोपी यहाँ कोतवाली के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से मौके पर दो मोटरसाइकिलें स्प्लेंडर बरामद हुई थी, जिनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल बी थाना क्षेत्र से 19 तारीख को चोरी हुई थी, 19 अप्रैल को, और दूसरी मोटरसाइकिल हरचंदपुर थाने के अंतर्गत पुलिया के पास से 28 तारीख को लूट कर ले गए थे, लोग छीन करके ले गए थे। मैम, पूछताछ के बाद ये पता चल पाया आगे किस तरह की घटनाओं को एकत्रित करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बातें? हाँ, ये उस भी इसी फिराक में थे कि कोई भी इस तरह से निकलता है तो उसको मार पीट करके ये मोटरसाइकिल छीन सकते थे या उसे पैसे छीन सकते थे। इनके पास से एक अवैध असलहा भी मिला है और साथ में चाकू मिला है, सरिया लिए हुए थे, तो ये ऐसी लूटपाट की घटनाओं के लिए इकट्ठा हुए थे। मैम, इन सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? अभी तक की जो दो घटनाओं का खुलासा हुआ, तीसरी करने जा रहे थे, शेष और अगर इनका आपराधिक इतिहास है तो खंगाला जा रहा है।